आज दीक्षाभूमी येथून प्रमुख महिला नेत्यांच्या उपस्थितीत महिला काँग्रेसच्या नॅश नुसरत अली यांनी आयोजित केलेल्या भारत जोडो धर्मनिरपेक्ष यात्रेला सुरुवात झाली आणि विविध धार्मिक स्थळांकडे प्रस्थान झाले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा आमदार श्री नानाभाऊ पटोले यांच्या हस्ते दीक्षाभूमी येथे भारत जोडो धर्मनिरपेक्ष यात्रेला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे, भारत सरकारचे माजी मंत्री, माजी खासदार श्री विलास मोत्तेमवार, माजी ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे आमदार उत्तर नागपूर माननीय श्री नितीन राऊत, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटी संध्या सवालाखे आदी काँग्रेस नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते. उसी पवित्र भूमि से हमारी महिला काँग्रेस की नेता और उनके सभी महिला साथियों ने यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा को हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है कि जितनी जातियाँ हो, धर्म हो, विविध भाषा हो, सब हम एक रहे और हमारे भारत माँ को हम मजबूत बनाए, यही संकल्प रहा है. और आज़ादी जिन लोगों ने, जो महापुरुषों ने हमें मिला के दी, उनका भी सपना यही था और वो सपना पूरा करने का काम महिला कांग्रेस की ओर से किया गया. जिस तरीके से देश में धर्म के नाम पे विभाजित किया जा रहा है, उसी को देखते हुए हमने भारत जोड़ो धर्म निरपेक्ष यात्रा का आयोजन किया है. इसमें 400 से 500 महिलाएं हमारे साथ में हैं और हम लोग यहाँ से मतलब एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि ये देश सभी धर्मों को मिल करके बनता है, तभी ये बनता है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान. मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी की भी शुभकामनाएं हैं. नाना बहु पटोले जी जो हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं, उन्होंने आकर के भी यहाँ पे शुभकामनाएं दी. संध्याताई सवालाखे जी ने भी शुभकामनाएं दी. विकास बहु ठाकरे जी की शुभकामनाएं और पूरी महिलाएं एक साथ हैं. हम लोग दीक्षाभूमि से शुरुआत करके गणेश टेकरी जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग लूत्र माता चर्च जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, कामठी रोड कोराड़ी मंदिर जा रहे हैं, तो उसके बाद लास्ट में समापन जो है वाकी दरगाह शरीफ में.